हेलो दोस्तों, जियो गुरु जी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो व्यापार होता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में समझने से पहले मैं आपको पुराने समय में ले जाता हूँ। वो समय था आपका आदिम व्यापार का, ठीक है। देखिए, आदिम व्यापार मतलब पुराना समय, या हम कह सकते हैं आदिम समाज जो था हमारा। ये आदिम समाज जो था वो व्यापार करता था, उसका व्यापार था विनिमय। विनिमय होता क्या है? एक विनिमय एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर व्यक्ति वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, ठीक है। मतलब आदिम व्यापार समाज व्यापार जो है वो विनिमय व्यवस्था यहाँ थी उस जमाने में, ठीक है, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, ठीक है। अब जब आदिम व्यापार होता था पुराने समय में, पुराना समाज जो था वो व्यापार करता था, वहाँ पर विनिमय व्यवस्था थी, और विनिमय व्यवस्था में क्या होता था? वस्तु का आदान प्रदान होता था, लेकिन इसमें जो मूल्य होता था, मूल्य जो देते थे वो पुराने समय के अंदर वस्तु के बदले वस्तु देते थे, ठीक है। मूल्य के रूप में वस्तु के बदले वस्तु देते थे। पुराने समय की बात कर रहा हूं अभी मैं, है ना। नए जमाने की बात हम बाद में करेंगे, पुराने समय। अब जो पुराना समय था, पुराना समय या पुराने समय में वस्तु खरीदने के लिए वहां की मुद्रा निम्न थी, जैसे अब पहले के जमाने के लोग जब वस्तु खरीदते थे तो पहले के जमाने में कोई कागज नहीं हुआ करता था, कोई धात्विक मुद्रा नहीं हुआ करती थी। इसके आगमन से पहले जैसे कि चकमक पत्थर का नाम सुना होगा, चकमक पत्थर, ठीक है। वस्तु लेते थे तब चकमक पत्थर देते थे, आग ने कांच, हाथी के दांत, ठीक है। इसके अलावा और भी कई वस्तु हो सकते थे, जैसे कि बाल, खाल, स्वर्ण, चांदी, तांबा, ठीक है। और इसके अलावा कई ऐसी, जैसे कि चीते के पंजे, ये एक तरीके से मुद्रा के रूप में वस्तु को खरीदने में किया जाता था। ये वस्तु खरीदते थे और ये चीज़ें दिया करते थे पहले के ज़माने में। ये तो मैंने बात की पुराने समय की, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, आपके नोट्स में इसको मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। आगे चलें, देखिए व्यापार की हम बात करें। ये तो मैंने आदिम समाज के बारे में बताया कि पहले व्यापार कैसे होता था। अब मैं बात करता हूं व्यापार की। व्यापार जो होता है ये तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार, ठीक है। व्यापार होता क्या है? व्यापार होता है, अब व्यापार की परिभाषा अर्थ हम कह सकते हैं, या हम परिभाषा बोल सकते हैं कि परिभाषा क्या होती है। क्या है परिभाषा? एक व्यक्ति पक्ष के द्वारा किसी वस्तु को दूसरे
व्यक्ति पक्ष से खरीदना या फिर बेचना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति पक्ष के द्वारा किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति पक्ष को बेचना, या हम लिख सकते हैं यहां पे, पहले आप लिखो बेचना, या फिर हम लिख सकते हैं खरीदना, या खरीदना या फिर बेचना, दो व्यक्तियों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वही कहलाता है व्यापार। अब देखिए व्यापार जो होता है, व्यापार के हम प्रकार की बात करें तो भैया व्यापार जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, सबसे पहले हम देखें राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो राष्ट्रीय व्यापार कहाँ होता है? देश के आंतरिक भाग में होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, नगर से नगर, गांव से गांव, या फिर गांव से नगर, कहीं पे भी अगर ऐसा व्यापार हो देश के अंदर ही तो वो कहलाएगा राष्ट्रीय व्यापार। अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है जब एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मतलब एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश की सीमा में अगर कोई व्यापार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो मैंने व्यापार के बारे में बताया, व्यापार क्या होता है, व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात चल रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित हम ये लेसन भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, तो अब हम टॉपिक लेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित। ठीक है, चलिए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास पे जाते हैं अपन, पुराने इतिहास पे, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो इतिहास था वो कैसा था, इस पर हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास पुराने समय में चलते हैं अपन। देखो प्राचीन समय के अंदर लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन करना बहुत ही जोखिम भरा था, इसलिए व्यापार जो होता था वो स्थानीय बाजार तक ही क्या था, सीमित था। कब? हम पुराने समय के अंदर जाएं, कब की बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन समय की। तो प्राचीन समय में लंबी दूरी के व्यापार में जोखिम था, इसलिए व्यापार प्राचीन समय में स्थानीय क्षेत्रों में ही होता था। मतलब इतिहास में व्यापार जो होता था वो स्थानीय क्षेत्रों में ही होता था। फिर समय बीतता गया, हम आगे आएंगे वहां पे कि पहले और आज में क्या अंतर है। देखिए ये तो रही बात पुराने समय की, अब हम बात करते हैं इसी प्राचीन से संबंधित कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, मतलब प्राचीन समय में लोग संसाधनों, अब वो संसाधन कौन से जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताएं जो होती थी, मूलभूत आवश्यकताओं
पर ही खर्च करते थे। अब मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हो सकती है, जैसे कि भोजन है या फिर वस्त्र, ठीक है, वस्त्रों पर ही खर्च करते थे। मतलब पहले के लोग भोजन और कपड़ों पर ही अपना पैसा क्या करते थे, खर्च करते थे। अगर मैं धनी लोगों की बात करूं, धनी लोग प्राचीन समय में आभूषण खरीदने में पैसा खर्च करते थे। आभूषण बड़े प्यारे लगते थे जो पैसे वाले लोग होते थे, या फिर हम कह सकते हैं कपड़े, ठीक है, ये दो ही चीज वो लोग खरीदते थे, ठीक है। और हम बात करें तो एक शब्द आता है इसके अंदर सैलरी, पुराने समय की बात है ये, सैलरी इंपॉर्टेंट है ये, सैलरी। सैलरी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसका नाम है सैलेरियन, सैलेरियन, ठीक है। ये सैलेरियन शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान, नमक के द्वारा भुगतान, ठीक है। देखिए नमक के द्वारा भुगतान क्यों, क्योंकि पहले के समय में, प्राचीन समय में नमक जो होता था या नमक बनाने की जो विधि थी बहुत ही कठिन पूर्ण थी, इसलिए नमक जो होता था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। अब इस नमक को जब कीमती बना दिया तो कोई भी वस्तु जब खरीदनी है तो नमक का भुगतान इसमें करते थे पहले के लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा इतिहास है, आगे की ओर बात करते हैं इतिहास की, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हो, ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं मुख्य इतिहास, चूंकि हमारी किताबों में भी पढ़ा जाता है, देखिए अगर मैं बात करूं रेशम मार्ग, रेशम मार्ग इतिहास व्यापार से ही संबंधित है, रेशम मार्ग। देखिए जो आपका रेशम मार्ग था ये कहां पे था, ये रेशम मार्ग लंबी दूरी, लंबी दूरी कहां से कहां तक, ये व्यापार लंबी दूरी का व्यापार ये होता था चाइना से, कहां से होता था, चाइना से, सॉरी रोम से चाइना, ठीक है, सॉरी रोम को चीन से जोड़ने का काम करता था ये रेशम मार्ग, ठीक है। मतलब चीन का रेशम जो होता था वो कहां जाता था, रोम में, ठीक है। तो रेशम मार्ग लंबी दूरी का व्यापार का एक उदाहरण, ठीक है, जो इसकी दूरी जो थी वो कितनी थी, कम से कम आपके 6000 किलोमीटर की दूरी, जो रोम को चीन से जोड़ता था, ठीक है, मतलब रोम को चीन से जोड़ने का काम करता था। अब होता क्या था इसके अंदर, और देखिए ये जो रास्ता जाता था ये भारत, ईरान जिसे हम पर्सिया कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके जो क्या बोलते हैं इसको, मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया के भाग, ठीक है। और देखिए कहां कहां से गुजरता था, यहां से भारत, ईरान, पर्सिया जिसे कहते हैं, मध्य एशिया से गुजरता हुआ चीन, ठीक है, और चीन का भी जो भाग था, मतलब चीन में, क्यों, क्योंकि चीन के बने, चीन में बनने वाले वाला रेशम इसी मार्ग से जाता था, ठीक है। एक मैं बता दूं आपको, रोम, रोम की ऊन, रोम की ऊन व एक और आपके बहुमूल्य धातु का व्यापार इस मार्ग से होता था, यही था रेशम मार्ग। ये हमारे व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास है कि रेशम मार्ग जो था वो बहुत लंबी दूरी का एक व्यापार का एक उदाहरण हम कह सकते हैं, जो कि 6000 किलोमीटर लंबी दूरी तय करता था, जो कि रोम को चीन से जोड़ने का काम करता था, भारत,
ईरान जिसे पर्सिया कहते हैं, मध्य एशिया के स्थान को चीन के बने रेशम व रोम की जो ऊन थी और जो बहुमूल्य धातु थी इसका परिवहन यहाँ से होता था। ठीक है, और देखिए आगे, जो रोम साम्राज्य था, आपका जो रोम साम्राज्य है, ठीक है, रोम साम्राज्य के विघटन की बात करूं मैं, विघटन के बाद समय था आपका कौन सा, 12वीं से 13वीं शताब्दी का, ठीक है, इस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। और जब रोम साम्राज्य का क्या हुआ था, विघटन हुआ था, यूरोपियन व्यापार जो था, यूरोपियन व्यापार समुद्री पोतों मतलब जहाज के कारण वृद्धि हुई। किसके व्यापार में, यूरोपियन व्यापार का जो प्रसार हुआ वो युद्ध जो समुद्री पोत थे उनकी वजह से हुआ, तब यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार को क्या मिली, बढ़ोतरी मिली। कहां कहां मिली थी, यूरोप व किस जगह, एशिया के मध्य व्यापार बढ़ा। और इसी टाइम पे अमेरिका की खोज हुई थी, मैं लिख देता हूं इसमें, अमेरिका की खोज भी हुई, ठीक है, अमेरिका की खोज भी इसी समय विखंडन के बाद ही हुई थी। ठीक है, ये इतिहास हुआ। अब कहां पहुंच गए, 12वीं और 13वीं शताब्दी में। अब हम बात करते हैं 15वीं शताब्दी की, इतिहास चल रहा है अपना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। चलिए 15वीं शताब्दी आती है। अब 15वीं शताब्दी में क्या था, 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोपियन जो उपनिवेशवाद था वो शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी में यूरोपियन उपनिवेशवाद शुरू हुआ। ठीक है, अब उपनिवेशवाद शुरू हो गया तो हुआ क्या, विदेशी जो वस्तु का जो व्यापार था उसके साथ में एक दास प्रथा प्रारंभ हो गई। विदेशी वस्तुओं के व्यापार के अलावा दास प्रथा या व्यापार प्रचलन में आया। ठीक है, इसमें होता क्या था, जो पुर्तगाली लोग थे, कौन से लोग थे, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिशों, अंग्रेजों के द्वारा अफ्रीका के मूल निवासियों को बलपूर्वक पकड़कर अमेरिका के बागों में काम कराने के लिए भेजा जाता था। ये कहलाती है दास प्रथा। दास का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती दास बना लो, और दास बनाया गया पुर्तगालियों, डच्चों, स्पेनिश व अंग्रेजों के द्वारा। किसको बनाया गया, अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको बनाया गया, और उनको बलपूर्वक पकड़ के अमेरिका के जो बाग थे वहां पर ले जाकर उनसे काम कराया गया। और ये व्यापार जो था, यह व्यापार 200 वर्षों तक लाभदायक रहा। इसका अंत कब हुआ था, इसका अंत हुआ था 1792 के अंदर। 1792 में तो हुआ था कहां पे, डेनमार्क में समाप्त हो गया। और 1807 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, इसके अलावा 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा
समाप्त हुआ। ये व्यापार ही है, अलग अलग तरीके के व्यापार होते हैं, ठीक है। चलिए हम 15वीं शताब्दी पहुंच गए, अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी में आ जाइए। 19वीं शताब्दी थोड़ा हमारे करीब है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में, अब 19वीं शताब्दी के अंदर बात करें तो जो प्राथमिक वस्तु थे, प्राथमिक वस्तु कौन सी, प्राथमिक वस्तुएं जैसे कि कृषि है, मछली पालन है, ठीक है, खनन है, ठीक है, पशुपालन है, इन सब का प्रभाव कम हो गया, खत्म सा हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, ठीक है। उद्योग धंधे आ गए, क्या आ गए, उद्योग आ गए, उद्योग। प्राथमिक क्रिया खत्म हो गई, वन, आखेट, शिकार, ये सब क्या हो गए, खत्म हो गए, इनका प्रभाव खत्म हो गया। जो देश इन पे टिके हुए थे वो बिल्कुल धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। और फिर आ गया क्या, औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। और औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का क्या बन गया, ग्राहक बन गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। जब हमारा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का जो दौरान था उसमें पहली बार आपके व्यापार कर, राष्ट्र ने व्यापार कर, राष्ट्रों ने पहली बार व्यापार कर, ठीक है, वे सांख्यिकीय, ठीक है, व्यापार कर और सांख्यिकीय प्रतिबंध लगाया, ठीक है। मतलब व्यापार पे कर लगाना और किस प्रकार से सांख्यिकीय प्रतिबंध लगाना किसी राष्ट्र के ऊपर, वो प्रारंभ हो गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब आया तो हुआ क्या, व्यापार शुल्क, जो व्यापार पे जो शुल्क लगता था हेतु आपके कई प्रकार के सामान्य समझौते हुए, तो सामान्य समझौते, व्यापार शुल्क हेतु सामान्य समझौते हुए, जिसे क्या कहा गया, गेट कहते हैं, ठीक है। ये जो गेट शब्द था, ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, WTO, विश्व व्यापार संगठन, बाद में, ठीक है, इसके थोड़े दिनों बाद में, हम ये ऐसे लिख सकते हैं, जो कि बाद में संयुक्त, हम बोल सकते हैं विश्व व्यापार संगठन, सॉरी, विश्व व्यापार संगठन WTO में बदल दिया गया। तो ये चीज जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो आज मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास के बारे में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, प्राचीन आदिम समय से लेकर और धीरे धीरे आपका जो व्यापार बढ़ने लगा, आदिम समाज आया, फिर आपका जो क्या बोलते हैं 12वीं 13वीं शताब्दी आई, फिर 15वीं शताब्दी आई, फिर 19वीं शताब्दी आई, और आज का जो समय है को देखते हुए व्यापार में बहुत बदलाव हुए हैं। शुरू से लेके अब तक का जो व्यापार है और पहले का व्यापार और आज के व्यापार में दिन और रात का अंतर है, जो आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।